हर घर ओकल साइंस मास्टर हर घर घर ओकल साइंस मास्टर दैट इज द आइडिया ऑफ एट द सेम टाइम कंसिडरिंग प्राइसिंग इज टू बी नॉमिनल सो दैट आप रिपीटेड कोर्स कर सकें क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है महासागर है जीवन में नहीं खत्म होने वाला सो इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी नेवर बी ए परफेक्ट इन टू डेट वी कैन बी परफेक्ट इन टू डेट वी कैन ओनली गो थ्रू द जर्नी ऑफ द सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कंसिडर द इफेक्ट कि हम सबको लर्निंग में हमेशा दिक्कत रहती है इन द सेंस कि हमारी द पावर ऑफ द्जॉब्शन ग्रेस्पिंग इज नॉर्मली लिमिटेड टू थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट पीपल टू पीपल वेरी सो फॉर डैट मैटर वी आर अकेडमी यूर रिपीट फ्री विच मींस जो भी कोर्स होता है उसका जो रिपीट होता है वन टाइम रिपीट फ्री मेरे कोर्सेज में जनरली लोग रिपीट बाद में भी ले लेते हैं तो आई अलाउ इट बट इन जनरली फैकल्टी कोर्सेज वी प्रोवाइड रिपीट फ्री देट्स अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज एक बारी में हम सबको हर चीज़ पकड़ में आ जाए ऐसा नहीं होता हमारे साथ कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अकेडमी के अंदर जितने भी कोर्सेज होते हैं वो उन फैकल्टीज के द्वारा होते हैं दो फैकल्टी आर परफेक्ट इन टू देयर फील्ड एंड देव एक्सपर्टीज ऑन टू द्राउंड एक्टिविटीज सो वी डोंट डू अ वन मास्टर ऑल सब्जेक्ट कहते हैं uh, वो जैसे इंग्लिश की कहावत है ना मास्टर ऑफ नर्दिंग एंड दैक ऑफ ऑल ट्रेट्स so we don't do we don't believe in that. we believe in the masters only so the masters are the perfect and the expertise into their field with 20 25 30 years of experiences mm -hmm. and the third most important thing academy hamesha kuliratiya and losablogokilia people which are already in the field of occult sciences and they are looking to do something in the field of occult sciences helping people तो उन लोगों के लिए एकेडमी हमेशा खुली रहती है अगर तो वो लोग फैकल्टी के आगे आना चाहते हैं बट सब्जेक्ट इज दैट वी शुड नॉट हैव द द कोर्स ऑलरेडी इन फैकल्टी तो एकेडमी हमेशा उनको प्रोत्साहन देती है उनकी हेल्प करती है ताकि वो लोग भी जगत से जुड़े और अपना ज्ञान को जगत तक फैलाए आगे तक लेके जाए देट इज द बेसिक थिंग्स आई लाइक टू शेयर यू इन द बिगनिंग इट ओके एंड देन नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ टूडे आज का सब्जेक्ट हमने चूज किया वास्तु से रिलेटेड वास्तु के अंदर यू कैन कॉल इट एडवांस कैन कॉल इट अष्टक वर्ग वास्तु मुहूर्त वास्तु बट वी आर गोइंग टू कवर टू दिसु इट लिमिटेड इज मुहूर्त इन दिस मंदिर वास्तु क्लश वास्तुस्ट ऑफ दी दिंग्स वी आर गोइंग टू कवर कंकनी विचार कांकनी विचार के साथ वास्तु कैसे करना है सॉइल ट्रीटमेंट सॉइल सिलेक्शन दृग पंचांग सिलेक्शन ऑफ प्लॉट कॉर्ना प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट हर प्रकार के प्लॉट विधिशूल ठीक मेडिकल वास्तु इज अस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन टू दिस मेडिकल वास्तु एंडु न्यूब्रो वास्तु नंबर से वास्तु इज गोइंग टू कवर इट पैंतालीस देवता की कनेक्टिविटी विद नक्षत्र उनके साथ कनेक्टिविटी विद प्लान एंड देन दी उनके साथ कनेक्टिविटी विद देयर

बट आज का टॉपिक अष्टक वर्ग का हमारा जाएंगे तो हम डिटेलिंग पे काम करेंगे। और जितना हमें एस्ट्रोलॉजी चाहिए अष्टक वर्ग को हिट थ्योरी को समझने के लिए आगे नक्षत्रों को समझने के लिए उतना हम करेंगे सो नो वरीज ऑन दैट अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है दे आर वेलकम इनफैक्ट दे आर ब्लैंक पेज इट इज इजी टू राइट ऑन दैट सो इट इज दे आर ऑल वेलकम बट जिसको अस्टर आता है जिसके अस्ट्रोलॉजी आती है दे कैन तो वेरी इजिली रिलेट टू इट अस्टर के अंदर लाइनें होती हैं स्पॉट्स होती हैं तो अष्ट से पहले अगर हम देखें तो किसी का हमने बर्ड चार्ट बनाया बर्ड चार्ट के अंदर हमने अष्ट में हम आठ फैक्टराइजेशन करते हैं ठीक है आठ वर्ग निकालते हैं उसमें सात प्लानट होते हैं और एक लगन होता है इसमें हम राहु केतु को कंसिडर नहीं करते राहु केतु को राहु को कंसिडर थ्रू शनि केतु कंसिडर थ्रू मंगल हर प्लैनेट को कुछ अंक प्राप्त होते हैं इन माध्यम माद ऑफ बिंदु से या रेखा से दो तरीके से बोला जाता है बिंदु और या रेखा से हम अंक प्राप्त करते हैं हर प्लेनेट के अंक होते हैं जैसे सूर्य के 48 अंक होते हैं चंद्रमा के 49 मंगल के 39 बुध बुद्ध के 54 गुरु के 56 शुक्र 52 एंड शनि 39 अंक होते हैं द सब टोटल ऑफ ऑल अंक इज इक्वल टू विदाउट लगन इज इक्वल टू थ्री थ्री सेवन लगन के फोर्टी नाइन अंक होते हैं लगन को भी जोड़ लेते हो टोटल अंक अंक होते हैं। हैं, ये अंक कैसे है, क्या करना है, इनका कैसे निकालना है इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज हम आगे बढ़ेंगे की डिटेलिंग so तो काम वी विल गेट इन टू इट ऑल दिस किसी का हमने बर्थ चार्ट बनाया बर्थ चार्ट की डिटेल डाली तो हमारे पास प्लास्टा आएगा बिनास्टा आएगा सर्वाष्टक आएगा ठीक एंड देन समुदाय अष्टक वर्ग आएगा समुदाय अष्टक वर्ग पे आज हम काम करेंगे समुदाय अष्टक वर्ग को हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट इज दाइट एवरीबडीज चार्ज इज एन इंडिपेंडेंट चार्ज हर एक की कुंडली अपनी एक इंडिपेंडेंट कुंडली होती है जिसका हर व्यक्ति अपना कुंडली को अपने डिजाइन लेके आता है और उस डिजाइन के अनुसार उसका अष्टक वर्ग डिजाइन होता है कुंडली के अंदर और जब कुंडली का उसका हर व्यक्ति का अपना अष्टक वर्ग है तो उसका हर व्यक्ति का अपना ही अष्टक वर्ग के माध्यम से वास्तु भी उसका अपना ही है एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हर व्यक्ति का अपना ही वास्तु है तो उसका इंडिविजुअल वास्तु यानी कि पर्सनलाइज वास्तु एंड आस्टावर का हेल्प ब्यूटीफुली इन लर्निंग दर्सन वास्तु क्योंकि एक जनरल वास्तु होती है जब हम पैंतालीस देवता की स्टडी करते हैं जब हम मॉडर्न वास्तु कहते हैं या महावास्तु कहते हैं ये सब जब हम चीजें कहते हैं ये कि हम जनरली हम समझते हैं कि एलिमेंट पांच एलिमेंट कैसे हैं पैंतालीस देवता कैसे हैं इन सब चीजों को समझते हैं

बारह राशि के अपने तत्व होते हैं बारह राशियों के अपने तत्व होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके तत्व क्या कहते हैं बारह राशियों के ये इंपॉर्टेंट है कि बारह राशि के अपने अपने समूह होते हैं बारह राशि के जब अपने अपने समूह की बात करते हैं हम तो बारह राशि के समूह के अंदर जब सेट ऑफ फोर लेते हैं सेट ऑफ थ्री राशि लेते हैं सेट ऑफ थ्री राशि मतलब वन वन फाइव नाइन ट्राइन बनाते हैं हम तो वन राशि का मतलब मेष फाइव राशि का मतलब सिंह और नाइन राशि का मतलब धनु सो इट्स अ ट्राइन ऑफ दी राशि ना वेन वी टॉक अबाउट इज बिकम किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो हैंड्रेस करके अपना क्वेश्चन को लिख के चैट में डाल सकता है? We'll ठीक है जिसको भी समझ में नहीं आया वो डाल सकता है. 159 हुई? Now, 159 है साथ साथ उसके साथ और भी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंटली जुड़ती है अग्नि के साथ साथ वो राशि ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट करती है राशि राशि रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट जोन नाउ इस की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है एनर्जी पित्त प्रवृत्ति की राशि सेट बन जाता है आज हम एक ही को लेंगे इसी को लेके बात करेंगे हम पित्त प्रवृत्ति किसकी बन जाता है अभी जैसे हमने बात किया कि बारह राशियों को अगर हम डिवाइड कर दें चार समूह में तो हर समूह को तीन राशियां मिलेंगी तीन राशि मिलती है तीन त्रिकोण से पहला त्रिकोण होता है एक पांच नौ का त्रिकोण उसमें एक पांच नौ नंबर की राशि आती है महेश पांच में सिंह नौ में धनु फिर दूसरा त्रिकोण बनाएंगे तो बनेगा दो छे दस का ठीक है दो छे दस के मतलब दो दस छे दस नंबर की राशि क्या बोलेंगे वृषभ कन्या और दस मकर ये आ गई दो छे दस अब हम दो छे दस की बात करेंगे तो दो छे दस जो है पृथ्वी तत्व की राशियां बन जाती हैं जब दो छह दस पृथ्वी तत्व की राशियां बन गई तो इनका जो डायरेक्शनल इफेक्ट आ गया वो साउथ की तरफ आ गया ये साउथ में आ गई और दो यस कीप ऑफ दो छह दस की तरफ अगर आ गया इफेक्ट तो दो दस का जो प्राकृतिक इफेक्ट है वो इफेक्ट जो है उसका वायु इफेक्ट आ जाता है डेट से दो हेलो हाँ पृथ्वी सर दो आएगा वायु तो तीन ग्यारह का तीन सात ग्यारह में मिश्रित आएगा सर मुझे कर लेने दो छे द, द, दस में यहाँ पे हम वायु लेंगे ओके तीन सात ग्यारह की बात आएगी तो मिश्रित आएगा और चार आठ बारह की बात आएगी तो वो कफ आएगा ठीक है राशियों के इफेक्ट के ऊपर हम ये करेंगे राइट सो दो छः दस पे हम जब बात करेंगे तो दो छः दस के जो टाइम तो अर्थ बनेगा पृथ्वी तत्व का बनेगा दो छः दस वृषभ कन्या एंड मकर तीन सात ग्यारह की बात करते हैं तो तीन सात ग्यारह का एक टाइम बनता है तीन सात ग्यारह मतलब तीन मतलब मिथुन सात मतलब तुला ग्यारह मतलब एक्यूरियस राइट right? या कुंभ जब हम कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ है, हुई ये हमारे कुंभ राशि हमारा जो तत्व बनेगा ये मिश्रित तत्व बनता है इसका मिश्रित और हमारी तीन सात ग्यारह की राशियां हमारे वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट करती है ये वेस्ट जोन की राशि बन जाती है अब हमारी बनती है चार आठ बारह चार आठ बारह जब बनता है हमारा चार आठ बारह मतलब चार मकर आठ मतलब विक्षिक बारह मतलब मीन चार आठ बारह ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है और ये बनता कफ ये कफ प्रवृत्ति की राशियां बनती है नौ ये इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इन राशियों के तत्वों की तो राशियों के तत्व के अंदर चार आठ बारह ब्राह्मणीय वर्ग में आ जाता है थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी यहां पे आ रही है स्टार्टिंग में बट इसकी हम डिटेलिंग भी करेंगे आगे अगर जिनको नहीं भी समझ आ रही तो इट्स ओके चार आठ बारह ब्राह्मणी तत्व में आ जाते हैं एक आ, पांच नौ क्षत्रिय तत्व के अंदर आता है और तीन सात ग्यारह जो है शूद्र तत्व में आ जाता है और दो आठ दो छ दस जो है वैश्य तत्व में आ जाता है तत्व में जब आता है तो तत्व की डिस्क्रिप्शन हम करेंगे नॉट द पॉइंट हेयर इज दैट इसको हम अष्टक वर्ग से कैसे रिलेट करेंगे अष्टक वर्ग की जो कहानी है उसके अंदर आप बारह राशियों के जब आपने तत्व निकाल लिए मतलब बारह राशियों के आपको तथ्य पता चल गया बारह राशियों का आपने अष्टक वर्ग में पता चल गया वर्ग में बना बनाया दे देती है एस्ट्रोलॉजी नाउ इसको हम डायरेक्शन में रिलेट करेंगे हमने चार डायरेक्शन बात करी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक पाँच नौ ईस्ट दो छ दस साउथ तीन सात ग्यारह वेस्ट चार आठ बारह नॉर्थ डायरेक्शंस आठ डायरेक्शंस को हम अष्टक वर्ग में हम लेके चलेंगे चार मेन और चार डिविजनल डायरेक्शन चार मेन आपने देख ली चार डिवीजनल डायरेक्शन जो कॉर्नर्स नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट चार डायरेविजनल डायरेक्शन चलेंगे हर राशि राशि को यहाँ पे हम प्लैनेट से कनेक्ट कर देंगे हर डायरेक्शन को यहाँ पे प्लैनेट से कनेक्ट कर देंगे हर राशि को यहाँ पे प्लैनेट से कनेक्ट कर देंगे राशि को प्लैनेट से कैसे कनेक्ट करेंगे तो आपको हर राशि के प्लैनेट आपको ऑलरेडी पता ही है नहीं भी पता तो हम इसको कवर कर लेंगे आगे जाके बट डायरेक्शन को कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम अभी देख लेते हैं ईस्ट को हम सूर्य से लेट करेंगे जब हम सूर्य से ईस्ट को लेट करेंगे तो हम यहाँ पे सूर्य देवता के रिलेटेड एक्टिविटीज को हम देखेंगे नाउ ईस्ट को हम सूर्य देवता से लेट करके ईस्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये यह रिप्रेजेंट करेगा मेडिटेशन को प्रेयर को ओपन स्पेस को लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करेगा सोशल एक्टिविटीज को इंट्रेक्शन को इन सब चीजों को ये एक्टिविटी रिलेट करेगी यहाँ पे अगर पित्र को भी हम देखते हैं

अष्टक वर्ग के अंदर हर राशि को कुछ अंक प्राप्त होते हैं जैसे मैं शुरू में बोला आपको आई एम आई एम नॉट टेकिंग एनी बडी स्पर्सन कुंडली रह दार्ट ऑफ टूडे इट सेल्फ आज ही का uh, मतलब अभी का पर्शन कुंडली रखा के हम कर रहे हैं इस पे काम एक पांच नौ की राशियों को जो अंक प्राप्त हुए वो अंक इज दिस विजिबल टू यू नहीं इस राशि की सोचना। Okay, one is this visible? No. ये प्रेजेंट की कुंडली है। ये प्रेजेंट की कुंडली है। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी राशि किधर भी आ सकती है। मैं फिलहाल इसको ष्ट की चार्ट कर दिया फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए द पॉइंट हेयर इज दैट अगर हम इसको समूह को बनाते हैं एक पांच नौ का ट्राइन बनाते हैं हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक पांच नौ का ट्राइन हमारा क्रिएट हुआ एक पांच नौ में वन फाइव नाइन का ट्रेन क्रिएट हुआ और ये आपने बोला फायर एलिमेंट भी है ये दिस रिप्रेजेंट ईस्ट जोन और इसका पित्त इसका स्वभाव है इसकी प्रकृति है नेचर है ठीक है और पित्त प्रकृति होने के अलावा इसकी क्षत्रिय है इसका जो इफेक्ट है वो क्षत्रिय है नौ बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं सिर्फ अपने आज के अष्टक वर्ग के परस्पेक्टिव से देखते हैं इसको यू गेट ट्वेंटी फोर मार्क्स ऑफ अष्टक वर्ग समुदाय अष्टक इन राशि नंबर वन यू हैव गोट ट्वेंटी फाइव मार्क्स बिंदु कहो या रेखा कहो इन सिंह राशि धनु के अंदर आपको चालीस मिले इक्वल टू वट इक्वल टू फोर्टी एटी नाइन राइट ये आपको एटी नाइन नंबर देता है इसी प्रकार से हम बाकी की टोटल करके देख लेते हैं हमें क्लैटी आ जाएगी और हम दो छे दस की बात करेंगे दो छे दस अर्थ एलिमेंट को दर्शाता है साउथ जोन है ये ठीक है भाई उसकी नीचे खिलाएगी ना दो छः दस के अंदर हम देखेंगे दो छः दस के अगर आप बात करेंगे तो दो के अंदर आपको ट्वेंटी थ्री मार्क्स मिले प्लस छह में आपको ट्वेंटी एट मार्क्स मिले और दस के अंदर ट्वेंटी फोर मार्क्स मिले इज इगल टू वट इज इगल टू साठ पिछहत्तर आई थिंक ये चेक करना आप लोग इफ इट इज नौ तीन सात ग्यारह की बात करते हैं तीन सात ग्यारह इज इजल टू वेस्ट जोन Air एलिमेंट ठीक एंड इसकी बात करते हैं तीन सात ग्यारह की तो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टी वन इक्वल टू पचास एटी वन हम बात करते हैं चार आठ बारह की चार आठ बारह की बात करते हैं चार आठ बारह की बात करते हैं तो हमारे को मिलते हैं चार बारह इज टू नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट प्रवृत्ति चार आठ बारह के अंदर बात करें तो हमारे को पॉइंट्स प्राप्त होते हैं यहाँ पे थर्टी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी टू विच कम्स टू नाइन्टी टू नाइन्टी टू ओके दिस इज दी

जो अष्टम वर्ग के अंदर राशि का समूह आपको सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है ज्यादा अंक दिखाता है दर्शाता है उस जोन को आप यूज करें उस जोन को आप यूज करें एक्टिविटीज के लिए जो

जब हम उसके बिनास्टक में जाएंगे तब हम आइडेंटिफाई फर्दर करेंगे कि यहां पे हमें करना क्या चाहिए अगर नॉर्थ के अंदर हमारे को 92 अंक प्राप्त हुए हैं तो नॉर्थ में कौन सी ऐसी अवस्था थी जिससे हमें 92 अंक प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या हम गेट निकालें यहाँ पे या हम यहाँ पे ऑफिस बनाए इस एक्टिविटी को हम करेंगे आगे जब बिनास्टक की एक्टिविटी करेंगे फिलहाल नॉर्थ डायरेक्शन को अगर सबसे अंक अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं तो आप इस बात को देखें कि इस इस व्यक्ति के लिए नॉर्थ का पानी होना अच्छी बात है गेट होना अच्छी बात है इस व्यक्ति के लिए और ये व्यक्ति अपने आप ने नॉर्थ से रिलेटेड नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी करेगा वो उसको जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे इट्स ए वन ऑफ द ऑस्पिशियस एरिया नाउ फॉलोड बाय इसके अंदर इस जो जोन आया हुआ है ईस्ट का ईस्ट इज सेकंड गुड टू हिम अभी बात आती है कि घर के अंदर कई लोग होते हैं घर में मेल uh, होते हैं फीमेल होते हैं बच्चे होते हैं इनको सबकी कंबाइंड एक्टिविटीज को हम कैसे करेंगे नॉट दैट विल कम विद ए कम्बाइंड चार्ट जब हम कंबाइंड चार्ट करेंगे तब हम इसके अंदर निकालेंगे कि विच आर द मोस्ट कॉमनली टॉप जोन उसको हम यूज करेंगे हमने वर्ग एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे ईस्ट के अंदर इनको एट्टी नंबर मिले हैं ईस्ट इज सेकेंड गुड अब ईस्ट इज इस अगर सेकेंड गुड है तो ईस्ट के अंदर ये ईस्ट से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी करेंगे ईस्ट के लिए वो इनके लिए कामयाब रहेगी इसके अंदर फिर ये आ, एक्टिविटी कर सकते हैं इसमें भी गेट बना सकते हैं ये इससे गेट आएगा अच्छा आएगा इनका काम करेगा अपने सोशल सर्कल क्रिएट कर सकते हैं सूर्य की एक्टिविटी इनके जीवन में फायदा करेंगे यहां इस से इससे ना सेवेंटी फाइव इज ए लोएस्ट यानी कि साउथ जोन इज ए लोएस्ट अब अगर ये साउथ के अंदर साउथ के अंदर अगर इनका गेट बनता है विच विल बी नॉट बी हेल्पफुल फॉर हिम अभी कई बार लोगों को साउथ का गेट बहुत हेल्प करता है कई बार नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि उनके चार्ट के अंदर वो उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है अगर चार्ट में उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो साउथ के गेट पे उनको काम ही नहीं होगा दैट्स देन दे गेट स्टक साउथ में अगर इन्होंने गेट बनाया साउथ के अंदर इन्होंने चीजें डेवलप करी चाहे वो जनरल वास्तु के अंदर एस थ्री एस फोर का गेट भी बनाया फिर भी साउथ इनको सपोर्ट नहीं कर रहा इनको अपने कर्म अनुसार अपने डिजाइन के अंदर साउथ मिला ही नहीं है इंतरा तो काम ही नहीं कर रहा वो साउथ से अगर हम बात करते हैं मंगल की अगर हम बात करें मंगल को साउथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं न no, मंगल की एक्टिविटी के लिए फायर से एक्टिविटी को हम रिलेट करते हैं मंगल कुछ भी फायर का काम किचन हो फायर हो ओवन हो तंदूर हो ऐसी कोई भी एक्टिविटी टूल्स हो इन सब चीजों को हम फायर से रिलेट कर लेते हैं न no, अगर इनके पास ये मंगल की एक्टिविटी फायर वहां पर करते हैं वो भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी तो मंगल भी इनको साउथ में सपोर्ट नहीं करेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट साउथ

उट कि कौन सी चीज के लिए कैसे काम कर रही है के तौर पे मैं आपको एक पे, uh, लगा रहा ये एक्सल आप तो शीट का एक uh, छोटा सा एक काइंड ऑफ ए स्मॉल प्रोग्राम है मेल फीमेल एंड कंपेरिजन तीनों बनते हैं। की

अगर आप जनरल वास्तु में जाएंगे हम बोलेंगे मंगल की एक्टिविटी नॉर्थ के अंदर करना इस हानिकारक क्या है पाँच नंबर की एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में दे रहा हम जनरल वास्तु में जाएंगे बोलेंगे हानिकारक क्या है नहीं करना चाहिए इनको हाउ एवर इनके केस में इनको पाँच नंबर या हाइएस्ट नंबर अगर इनकी एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में मंगल की एक्टिविटी तो इनको दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे इनको वहाँ पे अगर चूल्हा बना हुआ है इनका या कुछ एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिसमें माइक्रोवेव ओवन कोई हीटिंग आ रही है इन्हें दिक्कत नहीं देगा नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि इनका चार्ट बोल रहा है कि ये मंगल वहां पे कर सकते हैं तो दिस विल हेल्प हिम एट द सेम टाइम अननी के अंदर अननी के अंदर इनके लोएस्ट पॉइंट है अनन विनाशक में कैसे बना बाद में बात करेंगे बट अननी में लोएस्ट पॉइंट है अननी के अंदर अगर यही एक्टिविटी ये करते हैं तो अननी विल नॉट सपोर्ट हिम इट विल गिव अ ट्रबल इट विल गिव अ लॉट ऑफ ट्रबल सो इट्स अ वेरी थिन लाइन इफ यू सी नॉर्थ ईस्ट एंड अननी आर बैक टू बैक अब वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं है आदमी क्या सकता है कि मेरी नॉर्थ ईस्ट में ही है किचन बट फिर भी जल्द नहीं आ रहे तो यहां पे हमें एनालाइज करना पड़ेगा बाई अवर टूल्स मैथड्स और आप उसकी क्वेश्चन करके उसके मैपिंग करके आप लेट कर पाएंगे एनर्जी सेंस कर पाएंगे और स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं कि किचन एक्चुअली एन एन पे लैंड कर रही है चूना एन एन पे लैंड कर रहा है या चूना एन पे लैंड कर रहा है एंड दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई दिस इज अ थिन लाइन एंड ये हम लर्न करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी इसको हम समझेंगे दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ मंगल केस के अंदर इसी प्रकार से हर चीज़ की वास्तु बहुत ही स्पेशलाइज वास्तु होती है हम जनरल चीज़ों से हम सिर्फ जनरल चीज़ें देखते जरूर हैं लेकिन हम जनरल से हम पूरा वास्तु हरे का कंट्रोल नहीं कर सकते हैं फॉर डैट मैटर हर साउथ ईस्ट के अंदर शुक्र जैसे आ गया साउथ ईस्ट में शुक्र आ जाता है हम बात करते हैं साउथ ईस्ट में गैस आ जाए चूल्हा आ जाए अग्नि आ जाए अग्निज गुड कुकिंग आ जाए फूड डाइजेशन आ जाए इस सब के लिए uh, अच्छा है ये काम राइट right? अब इसी चार्ट के अंदर हम बात करें ये जो मैंने चार्ट लगाया मैं इसको दोबारा लगाता हूं एक मिनट इसी व्यक्ति के लिए बात करें साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट इफ यू सी साउथ ईस्ट दिस इज स्पाइसेस राशि ट्वेल्थ राशि के अंदर शुक्र छ नंबर दे रहा है नाउ मंगल इज नॉट स्पोर्टिंग मंगल की एक्टिविटी इस जोन को तीन नंबर से दे रही है स्पोर्ट नहीं कर रही है तो वी शुड नॉट डू रादर इफ दिस पर्सन स्लीप इन दिस जोन विल बी अ वेरी गुड फॉर हिम शुक्र की एक्टिविटी शुक्र बैटरूम बैटरूम एक्टिविटी इफ द पर्सन विल डू दैट और कीपिंग दी हाईली सोफेस्टिकेटेड मेटीरियल लग्जरी मेटीरियल कॉस्टली मेटीरियल जो शुक्र का मेटेरियल होता है जिसमें शुक्र का तत्व आ जाता है दैट ऑल हिम टू की कोई पैसे का जगह गला छोटा सा कोई जगह बना दिया दैट वी कीप इट उन सब चीजों को बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं इसमें और जब हम स्पेशलाइज डिजाइन करते हैं तो लोगों की हेल्प होती है देन वी कैन एबल टू फाइंड एग्जैक्टली कहाँ पे पिन पॉइंट और कहाँ पे वॉट इज द बॉटल नैट इफेक्टिंग दिस पर्सन So, उसको हम डिजाइन कर सकते हैं उसको हम रिलेट कर सकते हैं ये स्पेशलाइज वास्तु जब बनता है जब ये अष्टक वर्ग और वर्ग की सहायता से बनता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम क्रिएट करते हैं उससे हमें प्राप्त होता है।, right. अभी तक के जो हमने है उसमें किसी को कुछ पूछे तो किसी को नहीं समझ में आया तो बताए की दिशा लेनी पड़ेगी

मतलब ये कहाँ से देखने होते हैं मुझे पता नहीं है एक्चुअली इसका ज्यादा ना ओके okay, एक मिनट होल्ड करें ये चार्ट आपको दिख रहा है हाँ जी हाँ जी ये बर्ड चार्ट है किसी का ठीक जी बर्ड चार्ट के अंदर हर हाउस के अंदर राशि नंबर लिखे हुए हैं जी सर आपको हाउस समझ आता है आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत आइडिया है हाँ जी हाउस हाउस वगैरह पता है चलिए ग्रेट पर ही चाहिए मैं हाउस नंबर के अंदर एक नंबर की राशि लिखी है हाउस पांच में पांच लिखा है नौ में नौ नंबर लिखा है इसको हमने ज्वाइन कर दिया यस yes, एक बन गया ये अब जी, ये sir. इसके ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे मैंने इसमें ऑलरेडी डिजाइन किया बट कैसे आता है मैं आपको चार्ट में बताऊंगा हर सॉफ्टवेयर देता है ये ये अष्टक वर्ग के पॉइंट लिखे हुए हैं ओके okay, सर मैंने ये पॉइंट उठा लिए तो मैंने ये पॉइंट पिक कर लिए इनको मैं टोटल okay, कर दिया समझ गई जी सर तो इसी प्रकार से अगर... मैंने सारी राशि उठाई सारी राशि उठाई सबके अष्टक वर्ग के पॉइंट उठाए सबको तो टोटल कर दिया ठीक है सर समझ आ गया जी सर सो दिस इज एन इजी टॉपिक एज सच लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है बहुत पावरफुल है और स्पेशली जब हम गेट निकालते हैं किसी का हम गेट बोल देते हैं कि गेट आप नॉर्थ में निकाल लो बाई डिफॉल्ट पता चला उसके नॉर्थ में पॉइंट ही नहीं नॉर्थ में निकालिए क्या करोगे आप जैसे हमने इस केस में साउथ के अंदर देखा सेवर्टी फाइव है लेटर साउथ में जगह नॉर्थ के 75 होते देन वट यू डू आप बोल देते हैं उसके नॉर्थ में गेट निकाल दो उस व्यक्ति का नॉर्थ में रेमेडी करके भी काम नहीं चलेगा वो कहेगा कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा रीजन नॉर्थ के अंदर स्पोर्ट ही नहीं अवेलेबल उसके पास द वॉट इज द बेनिफिट समझ पाए आप कैन यू एबल टू रिलेट इट किसी की आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब या तो सॉल्व में नहीं आया या सबको सबको बोलिए बोलिए बराबर है, सब को सब बोले, है। बोले, बरा, सर मेरे जी उपेंद्र जी आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन स्विच ऑन योर माइक वाइल स्पीकिंग सर मेरे क्वेश्चन था उपेंद्र जी आपका माइक और, ये कैमरा ऑन होगा तो अच्छा लगेगा सर एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी जानना तो चाह रहा दो दो हूं। तो में जाना चा, जाना था किडनी अगर आप नॉर्थ कह रहे हैं तो कुंडली में फोर्थ तो हाउस में वास्तु दोष होगा और वहां पर आप मंगल की समान और रख रह पा रहे हैं तो और वास्तु दोष हो जाएगा अब यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब अब ये इस कुंडली का मैंने आपको शुरू बताया था जो बिना दिखाया था वो इस कुंडली से नहीं था

अगर ये व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में गेट खोलेगा तो इसको बेनिफिट मिलेगा और एक चीज मैं अष्टक वर्ग के जब राशि के सब पॉइंट्स आते हैं ना दैट इज और अगर आपको अष्टक वर्ग का ज्ञान है तो आप अष्टक वर्ग में देख सकते हैं अष्टक वर्ग में वेरियस कॉम्बिनेशन से राशि को लकीरें मिलती हैं वो बाय डिफॉल्ट उसके डिजाइनिंग के अंदर टेक केयर करता है ट्रांजिट का भी टेक केयर करता है बाई डिफॉल्ट वो ग्रह की पोजिशन का भी डिफोर्ड करता है और वो उस चीज को कंस्ट्रक्ट करके उसको अंक देता है जब वो उस चीज को कंस्ट्रक्ट करके उसको अंक दे रहा है दिस इंडिकेट कि ये डायरेक्शन चार आठ बारह नॉर्थ थी तो सभी को पता आपको ही पता ये बात जी Now, जी ये जोन इस व्यक्ति के लिए अच्छी है इस जोन से इस व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा न अगर वो गेट इस जोन के अंदर खोलता है दैट और चार को ऑस्पिशियस एक्टिविटी के लिए यूज करता है यानी कि नॉर्थ को इट हेल्प्स हिम इन द लाइफ टू प्रोग्रेस एंड ये टेस्टेड है

ऑलरेडी कंसिडर होती है जी ठीक है या शटबल एक प्रकार से उसमें कंसिडर ऑलरेडी होता है होता अगर है। अगर उसमें ट्रांजिट ऑलरेडी कंसिडर है उसके बाद वो राशि नंबर दे रहा है आप और मैं ना मानने वाले कौन होते हैं उसमें <laughs> सर मान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये कुंडली कुछ कह रही है इस तक कुछ कह रहा है कुंडली के हिसाब से नॉट आ रहा सबसे खराब इसका इस नहीं, चार्ट मैं तो आपको सिंपल बात समझा रहा हूँ आप एक पर्टिकुलर खाने को लेकर चल रहे हो मैं तो खाने को लेकर नहीं तो अस्टर्क अस्टर्क ले चल रहा मैं तो अष्टक वर्ग अष्टक वर्ग लेकर चल रहा हूँ दिग्गली सब चीजें चीज ऑलरेडी होती है तब वो नंबर देता है ठीक है वो पैटर्न है उसका उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा क्योंकि वो हमारा स्कोप में नहीं है आज ठीक है राइट नाउ जब किसी राशि को नंबर मिले वहां पे

मैं करवाता हूं सर, जीज़ी जीज़ी कर है, आपको... सर आप जी जी तो <laughs> हैं सर, मैं, मैं इस बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो डाउट है जिसको मैं सर इसको तकरीबन तीन से चार साल से यूज कर रहा हूं और सबसे पहले मैंने जब इस विद्या को सीखा अष्टक वर्ग की मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया सबसे मैंने अपनी स्ट्रेंथ निकाली मेरी जो मार्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में सबसे बली है और मैंने इसको टेस्ट कैसे किया कि मैं अगर कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ मान के चलिए कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज करता हूं अगर मैं किसी और डायरेक्शन में बैठ के एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं दस मिनट से ज्यादा हाँफ जाता हूं और अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के एक्सरसाइज करूं वो मैं पंद्रह मैं आधा घंटा कर सकता हूं फिर भी नहीं आता हाँ ये तो मैंने अपने ऊपर मंगल का इफेक्ट देखा क्योंकि वो और ये क्लास 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 में 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 ही किया था का था हाँ, लगाया था। था। जी आपका चार्ट हमने हमने लगाया लगाया निकाला ये तो सर दूसरी चीज मैं आपको अभी रिसेंट मैं आपका एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ डेढ़ महीने पहले मेरे को एक कुंडली आई राजस्थान से अलवर से एक लेडी है वो तीन साल से बेड रिडन है तीन साल से और वो पूरा दिन में दो से चार निवाले खा सकती थी उसको उठा के बाथरूम लेके जाते थे उठा के लेके आते थे तो मेरे को जब उन्होंने बोला कि हमने सभी तरह की हीलिंग करा ली एक्यूपंक्चर करा लिया डॉक्टर से हर तरह सी मेडिसिन दे ली यानी कि उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा मैंने सर सबसे पहले उसकी कुंडली मंगवाई और उसकी अष्टक वर्ग से स्ट्रेंथ चेक की तो उसको उन्होंने एनडब्ल्यू में उसका बेडरूम था मैंने उसको पहले ही पूछा क्या इसको आपने एनडब्ल्यू में इसका बेड है कहते जी हाँ तो वहां अष्टक वर्ग में उसके सबसे कम बिंदु थे तो मैंने उनको बोला कि मैं इसकी कोई क्योंकि मैंने थीटा हिलिंग से मैं अभी काम करता हूं तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया कि अगर आप मेरे से भी हीलिंग कराओगे इसको कोई फायदा होने वाला नहीं है तो सबसे पहले मुझको आपको इसको जो उसकी बेस्ट डायरेक्शन थी उसमें मैंने उनको बोला पहले आप इसका बेड शिफ्ट करो और उसकी मुझको फोटो भेजो वो मैंने स्कैन करके चेक की उसकी एनर्जी चेक की और उसके बाद में सर मैंने उसकी हीलिंग शुरू करी आप स्टंड हो जाओगे कि वो दस दिन के बाद जस्ट फॉर टेन डेज वो दो रोटी दोपहर दो सुबह और शाम तीन बार खाना खाना शुरू हो गया उसका। yes, बल्ला जी ने जो बोला अब आप यहाँ बिनास्तक काम करता है आप अंडरस्टैंड करें बिनास्तक कैसे काम करता है यहाँ पे बिनास्टक के अंदर अगर हम uh, चार नंबर की राशि कैंसर को देखेंगे दैट इंडिकेट्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एन एन इजन विच व्हिच हेल्प टू टून इम्यूनिटी के लिए अच्छा है ये बेसिक वास्तु में ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सबको आईडिया है इस चीज का एंड इफ जहां पे बिनास्टक के अंदर एन के अंदर सबसे अच्छे अंक है और जो प्लैनेट वहां पे दे रहा चंद्रमा दे रहा तो अच्छी बात है जहां पे चंद्रमा दे रहा हीलिंग का पार्ट आ जाता है जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट को लेके हीलिंग कर रहा है और एनरनी किसको फेवर कर रहा है एंड दैट हेल्प्स देयर

डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है मैंने कई लोगों के एक मेरे फ्रेंड हैं दिल्ली में रहते हैं उन्होंने साउथ ईस्ट में जैसे लोग बोलते हैं लाल बल्लभ बल्ला लो लाल बल्ला लो लाल बल्ला लो उनके वहां पहले ही नंबर ज्यादा थे दूसरे एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ नहीं लगाना, लगाना बिल्कुल नहीं, नहीं लगाना उस केस में सर उसका जो पैसे थे वो स्टक हुए थे मार्केट में तो मैंने उनसे पूछा मैंने उनको बोला मैं कहे पहले अपना क्योंकि मैंने कुंडली चेक की पहले ही स्ट्रेंथ ज्यादा थी ऊपर से मैंने उनको बोला मैंने कहा आपका तो अपने साउथ ईस्ट में चेक करो आपका कोई लाल कलर है कहते जी वो तो सभी लगाते हैं मैंने वहां बल्ब लगाया हुआ है मैं कह मेरी बात मान लो वहां उतार जैसे लो दो जैसे लोग बोलते हैं सविता एंड सवित्र ये हमने देवता फील्ड में जिन्होंने किया अभी करके आ रहे हैं एक्सेस ऑफ सविता एंड सुमित्रा अनिल ये देवता फील्ड अगर एक्सेस में जाते हैं इट हेल्प्स इट लीड्स टू मनी ब्लॉकिंग मनी लॉस एक्सीडेंट्स इट्स लीड्स टू टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ भी तो सर तो उनको ऑलरेडी इंडेक्सेस जी इफ देयर टू वेस टू चेक इट इफ ऑलरेडी इन एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू ईदर ज़ोनर्स स्ट्रेंथ

तो लेकिन फिर जैसे जर्नी शुरू हुई तो मुझे काफी कुछ थोड़ा मतलब आइडिया हुआ आपके जिस तरह से आपने समझाया मुझे इजी लगा ये लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे काफी कुछ जानना जा, जरूरी है तो ठीक है इट इज ऑलवेज गुड टू नो बोर बट फ्रॉम दैट परस्पेक्ट सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव एस्ट्रोलॉजी जितनी चाहिए उतनी हैंड हम करेंगे ओके सर ठीक है नो वरीज ऑन दैट पार्ट थैंक यू सर

हाँ सर वो तो ये ना बीच में किसी ने सवाल कर लिए बड़े एडवांस लेवल करे तो मेरा थोड़ा बाउंसर हो गया था तो लेकिन अभी आपने क्लियर कर दिया ने... है कि यू विल होल्ड योर हैंड सर पंताई पंताइस तभी तो आप कर रहे हो हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल वही वही सुन करके मैं आ, एकदम अश्योर्ड हो गया कि चलो आप करेंगे सारा कुछ सलीम जी आपको तो खैर डाउट होने नहीं चाहिए सर के ऊपर नहीं नहीं सर के ऊपर नहीं है अभी वो एक्चुअल एक क्योंकि सर तो मतलब डिटेल में समझाते हैं तो आ, मुझे नहीं लगता कोई और समझाते सही है एकदम से वो कुछ सारा नॉलेज आ गया ना तो वो ठीक है नई नई चीज होती है सर उसके लिए तो मैं भी मानता हूं क्योंकि मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी की तो कोई नॉलेज है नहीं है

कि एक तो मैंने सर आपसे एडवांस वास्तु किया हुआ तो क्या हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं That you check with the academy. Uh, okay. दूसरा सर मैं ये कह रही थी जैसा आपने बताया इसमें नंबर का तो ये एस्ट्रो वास्तु में तो हम डायरेक्टली जो डायरेक्शन में ग्रह है उससे हम देख लेते हैं अब इसमें हम कॉम्बिनेशन से देख रहे हैं जैसे मकान कुंडली का पार्ट वो मकान कुंडली का पार्ट है मकान कुंडली के के अंदर आप बैठे ग्रह की पोजीशन से देखते हैं लेकिन मकान कुंडली भी आपको काफी चीजें क्लियर करती है लेकिन मकान कुंडली से ज्यादा जो इफेक्टिवली काम करता है वो दो चीज काम करती है एक अष्टक वर्ग बहुत स्ट्रॉन्ग करता है दूसरा काकरी विचार बहुत काम करता है तीसरा हिट थ्योरी बहुत काम करता है ठीक है तो ये तीनों चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे हिट थ्योरी भी हम कवर करेंगे काकनी विचार भी कवर करेंगे क्योंकि काकनी विचार में होगा जो अष्टक वर्ग आपको हेल्प करेगा डायरेक्शंस के परस्पेक्टिव से कि किस डायरेक्शन से आपको लाभ लेना है और और दोनों अष्टक वर्ग काकनी विचार को आप मिक्स कर देते हो दैट ब्लेंडिंग ऑफ द टू डू गुड एक्टिविटी मतलब उसके रिजल्ट ब्लैंड ऑफ द टू में अच्छे काम आते हैं अब ब्लैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑकर साइंस में कई सारी चीजों पर ब्लैंड बहुत इफेक्टिवली काम करती है

नहीं सर मैंने एस्ट्रो वास्तु बोला एस्ट्रो वास्तु तो हम अपने ही चार्ट से ही तो फिर घर का वास्तु देखते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उसको फिर हम वास्तु से टैली करते हैं कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है उसी में भी तो हमें देखता है कि अगर हमारा कौन से ठीक है जी अष्टक वर्ग में दिस विल कवर अप ठीक है अष्टक वर्ग इट कवरिंग दिस टॉपिक एंड जो आप बोल रहे हो एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रो वास्तु जो नेम है वो एस्ट्रो वास्तु कोई सच अलग से नहीं है इट्स अ मकान कुंडली लाल किताब बताती है कि क्या ग्रह की खूबी है जो उस ग्रह पे जो जा बैठा वो लाल किताब बताती है प्लीज अंडरस्टैंड द टर्मनोलॉजी करेक्टली बिकॉज हर टर्मनोलॉजी को समय के अनुसार चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ वेरियस कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स लाल किताब की मकान कुंडली ही सिर्फ ये चीज बताती है कि कौन से ग्रह कहां बैठ के क्या देते हैं एंड आई टेल यू अनदर थिंग रेमेडीज के पॉइंटर्स जितनी रेमेडीज हम करते हैं उनमें से आधे सादा रेमेडी लाल किताब से ली आती है वास्तु के अंदर फॉर योर नॉलेज सर वो रेमेडी तो ज्यादातर लाल किताब की ही है जो हम और जो, जो आप वो भी रख रहे हैं हां

अष्टक र्गा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बनता है उसमें लाल कोई उपयोग नहीं होता अष्टक वर्ग इज प्योरली वैदिक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वैदिक वास्तु अगर आपको करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वैदिक वास्तु को डिजाइन करते हैं क्योंकि हमने आठ डायरेक्शन लिए हैं इसमें ठीक है जब हम ब्लास्ट में जाते हैं तो हम बाकी डायरेक्शन को कंसडर करते हैं लेकिन नॉर्मल अष्टक वर्ग में आठ डायरेक्शन पिकअप करते हैं अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वैदिक वास्तु को लगाते हैं अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू जो क्रिएट करता है इट्स ए फ्स आपके लाइफ में डायरेक्शन से मिलेंगे एक बात समझ रहा हूँ दूसरी बात विनास्टक में जब जो जाते हैं तो जो महावास्तु के पूरे के पूरे जो बारह की बारह राशियाँ हैं उनके जो डायरेक्शन हैं वो हम रिलेट कर लेते हैं इन एडिशन अगर आपको लाल किताब इज नॉट पार्ट ऑफ इट जो एस्ट्रोलो वास्तु कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं है वो लाल किताब मकान कुंडली का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंड दैट

एस्ट्रोल का मैंने इसका क्वेश्चन आंसर दे दिया ऑलरेडी प्रिया जी ने पूछा था एस्ट्रोल इज अ क्राइटेरिया फॉर दिस चंदेल जी ने पूछा एस्ट्रोल नहीं आती चंदेल जी एस्ट्रोलॉजी फॉर दिस कोर्स नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर दिस कोर्स राइट सो कमिंग टू दी next नेक्स्ट पॉइंट ऑन दिस टूडेज webinar, कुछ बीएनएन से भी होता है क्या ये अफ्टर, अफ्टर वास्तु का चीज से जी बीएनएन 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 से BNN से तो का मैंने करवाया आपको नहीं नहीं एन भी सेन वा, वास्तु बीएनएन में कॉम्बिनेशन ऑफ देखो बीएनएन प्लैनेट्स को देखा जाता है कंसीडरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अपने आप में किया था राइट सो बीएन वास्तु इज सेपरेट सब्जेक्ट विच इज ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, वो हमारा पार्ट नहीं है इसके लिए सर हमें अलग से कोई सॉफ्टवेयर भी चाहिएगा या जो हमारा केपी वगैरह का कोई एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर उसी से हो जाएगा यू कैन चूज एनी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर ओके सर ठीक है राइट right. अब आज आती है मुहूर्त की मुहूर्त बहुत जरूरी सब्जेक्ट है जब हम वास्तु करते हैं मुहूर्त के अंदर एक बहुत छोटा सा बड़ा मुहूर्त लेकिन मुहूर्त के अंदर नक्षत्र पे काम होता है नक्षत्र की अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू मुहूर्त आनी चाहिए और वो जो हम करेंगे आपको प्री अंडरस्टैंडिंग नहीं है मुहूर्त की इट्स ओके वार कैसे निकालते हैं योग कैसे निकालते हैं करण कैसे निकालते हैं मास कैसे निकालते हैं वो सारा हम करेंगे यात्रा का मुहूर्त ग्रह प्रवेश का मुहूर्त ग्रह का मुहूर्त ग्रह निर्माण का मुहूर्त ये सारे मुहूर्त को हम इसके अंदर कवर करेंगे मुहूर्त के अंदर एक आदमी जब अपने घर को बनाता है उसकी नींव की खुदाई करता है वास्तु मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं वो वास्तु मुहूर्त पूरा करेंगे वास्तु मुहूर्त के अंदर हम कब जमीन खोदनी है कब उसके अंदर प्लेंटर डालना है किस तरीके से हमारे को मुहूर्त को देखना चाहिए मुहूर्त विचार बड़ा लंबा विचार है उसको हम पूरे को देखे हैं मुहूर्त विचार के अंदर स्विमिंग पूल अगर कोई स्पेसिफिक मेजर एक्टिविटी स्विमिंग पूल जब हम लगा रहे हैं तो मुहूर्त उसका या बोरिंग वाले गड्ढा कर रहे हैं बेसिकली मतलब मेरा मतलब गड्ढे से अगर हम कोई गड्ढा कर रहे हैं स्विमिंग पूल या बोरिंग बोरिंग का तो उसको मुहूर्त या हम गड्ढा कर रहे हैं टॉयलेट का तो उसका एक मुहूर्त मुहूर्त विचार से आपको मुहूर्त आना चाहिए निकालना देखना आना चाहिए हर चीज़ के लिए आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो एक सेपरेट पॉइंट हुआ बट आपको लगाना आना चाहिए देखना आना चाहिए इवन मेन एंट्रेंस का जब डोर फिक्स कर रहे हैं मेन एंट्रेंस जब लगा रहे हैं तो मुहूर्त वास्तु के पास से आना चाहिए यात्रा हम जब करना शुरू करते हैं हम किसी के घर वास्तु करने जा रहे हैं और उस दिन का आपका मुहूर्त और सामने वाले का मुहूर्त क्या कहता है ये भी मैटर करता है तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे कि यात्रा का मुहूर्त कैसे देखना और यात्रा का मुहूर्त कैसे देखते हैं यानी कि जब हम दिशा दिशा विदिशा दिशा की बात करते हैं तो उसको हम कंसिडर करेंगे उसमें दैट इज ए पार्ट ऑफ मुहूर्त यस सिमरन जी हेलो सर हेलो जी सर मैंने ये पूछना जैसे वास्तु के आधार पर जैसे बता देना इस डायरेक्शन में ये बीमारी होती है अगर ऐसे कोई चीज गलत हो या रूम गलत बना हो टॉयलेट सीढ़ी कुछ भी हो तो सर इससे जैसे इनका भी सॉल्यूशन हो जाता है बिल्कुल होता है और ये मेजर पॉइंट है इसके अंदर right. राइट वास्तु के अनुसार अभी मैंने एग्जांपल दिया जैसे हमने देखा था अभी तो वास्तु के अनुसार किस डायरेक्शन में क्या चीज नहीं होनी चाहिए और अगर वो आ गई है तो रेमेडियल पार्ट है रेमेडियल पार्ट तो इसका पार्ट आएगा रेमेडियल नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा राइट 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 रेमेडीज आर इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगाता हूँ दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑन दिस पॉइंट सो द रेमेडीज विद रिस्पेक्ट टू धातु रेमेडी रतन रेमेडी लास्ट में लिखी है थ्री डी रेमेडी धातु रेमेडी रतन रेमेडी पेरामिड रेमेडी कलर रेमेडी रेमडी रेमेडी नंबर रेमेडी क्योंकि निम्ब्रो वास्तु भी इसका पार्ट है तो निम्रो वास्तु जो हम करेंगे जी. तो ये पॉइंट्स सब सारी रेमेडीज कवर करेंगे न इसमें ग्रेडिंग मैपिंग आपको कैसे करनी है ग्रेडिंग मैपिंग का मैं एक बार बताऊंगा डिटेल में ग्रेडिंग मैपिंग अगर आपके पास नहीं है तो यू डू इट मंदिर वास्तु कलश वास्तु यानी कि ये रिलीजियस वास्तु अगर आ जाता है तो उसको कैसे करना है इसके अलावा इस वास्तु के अंदर हम हम कॉमर्शियल वास्तु को भी रिलेट करते हैं बैकग्राउंड प्लीज बंद करें कॉमर्शियल वास्तु के अंदर भी हम इसको करेंगे साथ में कॉमर्शियल वास्तु के अंदर हम किसी मॉल को या किसी हॉस्पिटल को या किसी स्कूल को कैसे देखते हैं उनकी एक्टिविटीज को कैसे देख रहे हैं तो दोस्त कॉमर्शियल वास्तु की एक्टिविटीज भी इसके अंदर हम करते हैं ठीक है इसके सब्जेक्ट में लिखे ये बहुत ही ब्रॉड टर्म्स लिखी हुई है लेकिन ये बहुत डिटेल बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है इसके अंदर नाउ कमिंग टू दी पैंतालीस देवता की डिटेल स्टडी नहीं आती इसमें कि डिटेल स्टडी हम ऑलरेडी कर रहे हैं अभी ऑलरेडी चल रहा है लेकिन पैंतालीस देवता को नक्षत्रों से कैसे कनेक्ट कर रहा है ये हम इसमें करेंगे नक्षत्रों से कनेक्ट करेंगे पैंतालीस देवता को और उसके बाद हम उसकी एक्टिवेशन देखेंगे वो एक्टिवेशन कैसे कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम देखेंगे इसमें करेंगे वास्तु को हिट थ्योरी करेंगे इसमें ठीक है प्लान राशि कॉम्बिनेशन में मैंने काफी सारे आज करवा दिया फिर भी मैं दोबारा करवाऊंगा मेडिकल वास्तु, बहुत है। पित, को रिलेट करेंगे कनेक्ट करेंगे, करेंगे तो ये मेडिकल वास्तु के पार्ट में आता है ठीक है श्वास नाड़ी और आ, मेडिकल वास्तु में पित्त कफ की एक्टिविटी ये हम इसमें करेंगे इसकी रेमेडीज कैसे करनी है वो भी हम इसमें देखेंगे फॉर्चुन पॉइंट मुहूर्त का पार्ट में आता है फॉर्चुनर पॉइंट हम महूर्त से के लिए करेंगे फॉर्चुनर पॉइंट इसको हम करेंगे निम्न निम्न वास्तु ऑलरेडी मैंने बताया विदिशूल आई एल यू आई शेप एल शेप यू शेप ई शेप बिल्डिंग शेप आ जाती है कोई गोल शेप आ जाती है कॉर्नर शेप आ जाती है स्ट्रेक्शन प्लॉट कैसे करना है टी पॉइंट आ जाता है दृढ़ पंचांग कैसे देखते हैं दृग पंचांग मुहूर्त का पार्ट में आता है बट पंचांग कैसे देखना है ऑनलाइन पंचांग आते हैं कैसे उसको हमें रिलेट करना और किस एक्टिविटी को निकालने के लिए हमें Uh, मुहूर्त निकालने के लिए हमें इसको डीकोड कैसे करना है ऑफ मुहूर्त वी विल डू इन दिस जर्नी वास्तु जो आपने अभी बोले सिमरन जी वास्तु डिफेक्ट्स को कैसे देखते हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है विद हेल्प ऑफ रेमेडीज और स्कैनर की बात की जी ने कि ओर स्कैनर को सीखा हमने किया था प्रैक्टिस करते हैं और स्कैनर को हम करेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस हम यहीं करेंगे सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सॉइल को चेक करने के तरीके क्या है काकनी विचार इज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश प्रदेश सिटी आपके लिए काम कर रहा है कौन सी जगह आपके साथ या लोगों साथ आप मैच कर रहे नहीं कर रहे इवन दो आपका जो घर का एरिया है वो घर का एरिया भी आपके लिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो काकनी विचार बोलते हैं सो तो काकनी विचार पर हम काम करेंगे सो दिज आर ब्रॉड टॉपिक बट दिज आर वेरी बिग टॉपिक और ये क्लास अठारह दिन का हमारा कोर्स होता है ये नॉर्मली अठारह दिन के अंदर कोर्स के अंदर भी करना है इसको बैक टू बैक नॉर्मली नहीं होता और अभी जो आप देवता फील्ड कर रहे हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं उनका अठारह दिन का कोर्स था आई थिंक दैट विल ऑलरेडी क्रॉस एटीन प्लस डेज ट्वेंटी डेज तो हो चुके हैं और तीन चार दिन और भी लगेंगे उसमें सो so, ये कोर्स की जो एक्सटेंसिवनेस है ये कवरेज है ये बहुत ज़्यादा कवरेज है अट्ठारह दिन में कवर नहीं होती है इट यूजली गो बट बीस बाईस दिन तक लग जाते हैं वी विल कवर इट इन दिस जर्नी हम बोलते हैं दो महीने के ही है क्योंकि हमारी जो फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो भी टू मंथ के हिसाब से ही होती है दो महीने का कोर्स है ये मंडे को नाइन पीएम होगा सैटरडे को सेवन थर्टी पी एम होगाडे को सैटरडे को, को कोशिश करेंगे नौ बजे हो सके तो बट डेट्स न्यूमोलॉजी टाइम एक्चुअली तो वी विल सी दैट पर मंडे नाइन पी करेंगे तेईस मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं हम दो महीने का कोर्स है लाइव जूम पे होगा डाउट क्लियरिंग सेशन प्रैक्टिकल की स्टडी आप ही की होंगी प्रैक्टिकल की स्टडीज अकेडमी मेंबरशिप सर्टिफिकेशन रिपीट फ्री मैंने आपको पहले बता दिया नोट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब डिटेलिंग मैंने बता दी आपको दिस इज दी फीस डिजाइन फॉर दिस कोर्स ये कोर्स uh, की एम आर पी फोर टू वन फोर है जो न्यू पार्टिसिपेंट है उनको ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंटेड है थ्री वन फाइव एट बट वंस द कोर्स स्टार्ट देन द ज्वाइनिंग पे कोई डिस्काउंट नहीं है वंस कोर्स इज स्टार्टेड

बिनास्टक वास्तु में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कंपैरिजन अगर एक घर के अंदर मल्टीपल लोग रहते हैं नॉर्मली हम हस्बैंड वाइफ कंस्ट्रक्ट करते हैं एक अर्निंग मेंबर और एक स्पोर्ट uh, मेंबर तो इफ हस्बैंड इज ए मेन अर्निंग मेंबर एंड द फीमेल इज ए सपोर्ट मेंबर तो हम दोनों का चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं विनाशक में एंड वी मेक आउट द कम्पेरिजन शीट ये ये मेल का है ये फीमेल का है इस शीट के अंदर सारी लॉक शीट है मतलब मैथमेटिकली एक्सेल पे बनाई गई है ये जो नंबर साइए आपको आपका चार्ट देता है

Now, ये कलर्स है ना ये कलर स्कीम्स यहाँ पे ऑटोमेटिक है इसमें आपको कुछ नहीं करना ये सारी एज ए कम्बाइंड टू ईच अदर आपको कौन सी जोन में क्या चीज आपको सपोर्ट कर रही है किसको नहीं कर रही times, like, कि एक किचन है जो कि फॉर एग्जाम्पल किचन की बात करें यहाँ पे मंगल की बात करें तो मंगल अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों के कंपैरिजन में दोनों के लिए नॉर्थ वेस्ट में मंगल सपोर्ट नहीं कर रहा ठीक है मंगल नॉर्थ वेस्ट में दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहा वेयर एज मंगल दोनों को सपोर्ट करता है सबसे बेस्ट सपोर्ट करता है इफ यू सी दैट इज सपोर्टिंग टू देम इन द मोस्ट राइट कई बार ऐसा होता है कि एक को कर रहा है एक को नहीं कर नॉर्थ

इसमें लाइव केस स्टडीज आप लोगों की होंगी इसमें सारी लाइव केस स्टडी के अंदर हम देखेंगे कि आपको ये घर कितना सुटेबल है कितना नहीं है अगर दिक्कतें आ रही हैं ज्यादा आ रही है रेमेडी के माध्यम से हम इसको ठीक कर पा रहे हैं तो कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता बट इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सा सही मिल रहा है शिल्प जी सर वी हैव कम्पलीटेड दिसन कैन आई लीव प्लीज यस शिल्पा जी यू कैन ज्वाइन

वास्तु की नॉलेज भी है नहीं। नहीं देखो, लाइक like, इस कोर्स के लिए आपको नहीं है वास्तु की, या मतलब बेसिक्स तो लेकिन जितना हम पढ़ते जाएंगे जितना हम समझते जाएंगे इट इज ऑलवेज गुड इज नो हार्म और जितना हम पढ़ेंगे जितना हम करेंगे उतना परफेक्शन जाएगा But नहीं कियाडी देवता फील्ड में देवता फील्ड नहीं भी किया तो आपको काफी सारी चीजें आपके चार्ट से बच लेंगे ना हम तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट एंड वास्तु कर रहे हैं ना मुहूर्त है। कर रहे हैं मुहूर्त के अंदर देवता फील्ड के अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज ली थी देवता प्लस नक्षत्र की कॉम्बिनेशन से डाटा

आप इस स्क्रीन का फोटो शूट कर सकते हैं इसको आप क्लिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एंड देयर आर नंबर्स रिटर्न दे आर दो नंबर इसके ऊपर आप आ, बात कर सकते हैं अकेडमी से दे विल हेल्प यू टू ज्वाइन इट और पूरा सा डिटेल दिया है बैंक डिटेल्स वगैरह पूरी दी हुई है यू पी आई पेटीएम वॉट यू कैन डू डेट जी यस yes. सिमरन जी मेरा क्वेश्चन है आप तो

मेरा ना? एक क्वेश्चन है साँग। जी. साँग मेरे को वास्तु में चीरो है 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 जी मेरे 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 में इसमें कुछ हो जाएगा मेरे लिए सर सर के ऊपर लिखना होता है, लिखना आसान आसान होता होता से चलो ठीक और नहीं तो मैं हूं ना <laughs> ओके 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 हाँ। चलो थीक थीक है, जहां अटके वहां पे हूं ना ठीक तो है वहां <laughs> पे ओके, ओके, हम और आपस में मिले नहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा पहले वालों में ना? <laughs> right. जी, जी है ना ठीक है सर ओके राइट थैंक यू जी राचल जी बोलिए सर मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था आपका एक गुरु है बिफोर दैट मुझे कुछ भी नहीं मालूम था आपका uh, गुरु जीवन जी uh, जो आपका दिस uh, इंस्टीट्यूशन है गुरुजी ज्ञान हाँ ये uh, yes, गुरुजी ज्ञान

हाँ नहीं, नहीं वो नहीं पूछ रही मैं मैं एक्चुअली पूछ रही थी जैसे वास्तु का है तो ये वास्तु जैसे मैं सीखूंगी तो आई हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आल्सो तो लाइक मैं कुछ प्रैक्टिस कर पाऊंगी इससे एंड आई हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी आल्सो मैडम बिल्कुल आप काम कर पाएंगे अगर हाँ। आप काम ही नहीं कर पाए तो उसको करने का भी फायदा नहीं है मतलब हाँ मेरा माना तो बहुत सिंपल है कि अगर आप पढ़ रहे हैं अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी धनराशि स्पेंड कर रहे हैं तो यू हैव टू वर्क इफ यू आर नॉट वर्किंग करूंगी मैं अपार्ट फ्रॉम लर्न बिफोर दिस बिफोर ज्वाइन दिस ग्रुप दिस क्लास इस कोर्स के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है

दिखाने के लिए तो कछुओं की चाल है डिटेल डिटेलिंग इतना कोई कोई नहीं नहीं करता। डिटेल, वो वो ही मैं मैं कह रहा हूं ना सर, सर तो ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूं, जितना डिटेल में सर जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जाता और हमने आपको शुरू में बोला कि हमारा एकेडमी का पर्पज ही है every people of this country. अगर वो डिटेलिंग में नहीं होगा या वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा तो वो बार बार से छुमंतर हो जाएगा फिर उससे कोई फायदा भी नहीं होगा ये आपका जो वीडियो देखा था उससे वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड uh, आज मैंने आफ्टरनून में लामा फेरा का देखा जी दैट वाज आल्सो टू गुड दैट उनका वेबिनार जो था फॉर वन आवर फिफ्टी मिनट्स इट वाज मैंने उसको पूरा वॉच किया तो so, मैंने सोचा धीरे धीरे कोशिश करूंगी आपके यहाँ से थैंक यू मैडम सो मैच ऑफ यू मैंने जैसे मैंने बताया था कि वी वी बिलीव इन एक्सपर्टीज इन टू एंड जो पढ़ाएंगे वो भी उनकी भी एक्सपर्ट एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में तभी वो पढ़ाएंगे नहीं तो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाते हैं जो सब्जेक्ट हमारे पास अकेडमी इज ऑल्सो ओपन फॉर एवरीबडी इज वेलकमिंग दो सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है बट दे हैव एन एक्सपीरियंस हैंड होल्डिंग इन टू द सब्जेक्ट एंड वी आर नॉट डूइंगट सब्जेक्ट So, हम इसमें बिलीव करते हैं हम सिर्फ academy, academy होती है नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है सो so, हमारा पर्पज ये कि जो हम करवा रहे हैं जो हमारी टीम है उसके एक्सपेंसिज मीट आउट करते हैं बजट सेट इतना ही हम करते हैं कि एक्सपेंसेस जो हमारे एक्सपेंस इनकर हो रहे होते हैं सेटअप uh, के ऊपर वो हम मेक आउट करते हैं इसमें से नहीं दैट वी कैन मेक फ्रॉम योर पीस सारे तो नहीं होते मेरे तो नहीं होते एट मैं जॉब भी करता हूं तो मेरा काम जॉब से चलता है आई एम फुल टाइम वर्किंग नहीं नहीं आपकी टीम इज वेरी डिजायरेबल सो uh, so. सब लोग जॉब करते हैं जितने भी फैकल्टीज हैं हैं वो अपना भी काम करते दैट्स okay. the द mm -hmm. है पीपल आर चार्जिंग लेफ्ट राइट इन द कोविड सो इन द टाइम के अंदर जब जिस तरीके से चल रहा था दैट वॉज नॉटो हमें मुझे तो एटलीस्ट रुकने रुक, मतलब कि एक अंदर से भावना है कि नहीं दिस इज रॉन्ग वी सपोर्ट इन पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ अपब्रिंगिंग दैट्स द आईडिया जी थैंक यू सर थैंक यू देवेंद्र वाला जी sir. क्या बोलना चाह रहे हो आप सर मैं एक्चुअली न्यू पावर ट्री को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तकरीबन पिछले पंद्रह बीस साल से इस फील्ड में और मैंने बहुत पैसे खर्च खर्च के कोर्स किए लेकिन मैं बाकी ये लोगों को श्योर करना चाहता हूँ कि सर ने जितने पैसे में और जो कोर्स के कंटेंट हैं अगर आप एक तो पहले ये कंप्लीट कोर्स ही नहीं मिलेगा आपको कहीं ये तो श्योरिटी है ये कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा और आपको अलग अलग जगह से अलग अलग करना पड़ेगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि हर एक आदमी का अपना तरीका सिखाने तो ये जो कोर्स है ये कम से कम अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मिनिमम पचास हजार रुपया तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मेरे तो सर ये तो कितनी सेवा कर रहे हैं ये तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जिसने ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप जो भी जुड़े हैं तो वो अगर ये कोर्स करेंगे और दूसरी चीज ये है कि कोई जो आदमी कुछ रोग बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं आता है तो वो तो सर उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसको कंप्लीट ना हो जाए उसको आउट ऑफ वे से क्लास एक्सटेंड करके ये मेरा मैं इनसे जुड़ा हूँ काम काफ़ी कोर्सेस किए हैं इनसे तकरीबन एक डेढ़ साल से जुड़ा हूँ और जो भी इनसे विद्याएं ली हैं वो मैं बहुत सक्सेसफुली उसको प्रोफेशनली uh, उसको मैं काम में ला रहा हूँ और ये जो एक कंप्लीट कोर्स है मैंने भी किया है लेकिन इतना इतना कंटेंट मैंने कभी किसी कोर्स में नहीं देखा और सर को मुझे पता है और इसमें भी इनका मूड होगा तो और भी कुछ दे देंगे <laughs> अगर रिलेटेड होगा तो वो ये कोर्स के ऊपर भी ये कभी ये नहीं चलते कि लाइन वाइज लाइन कभी नहीं चलते इनको लग रहा है कोई पार्टिसिपेंट को ये वीकनेस है उसको है उसको क्लास में एक्स्ट्रा टाइम तो मैं ये अपनी तरफ से अपना जो एक्सपीरियंस है मैं ये बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है कि सर तो दस पंद्रह साल से मतलब तो जुड़े हैं मैं सिर्फ एक डेढ़ महीने से जुड़ा हूँ और एक डेढ़ महीने में मेरे को चार कोर्स लेना पड़ गया मैं हम लोग ये जो बोल रहे हैं कोई ये मत हो कि हम लोग इनका दलाली कर रहे हैं <laughs> जो फैक्ट है एक बार आकर के देखें उसके बाद आपको पड़ेगा सीधी सी बात बिल्कुल है। सही कह रहे सर सर ये एक सच्चाई है इसमें तो राय नहीं है कोई क्योंकि ये तो सेवा कर रहे हैं जो सर वो वो आप जब कोर्स करेंगे उसके बाद ही इस चीज को समझ सकते हैं पहले नहीं सर जो एक बार जुड़ गया इनसे तो मुझे नहीं लगता कोई फिर वो दोबारा इनको छोड़ता होगा वो कभी नहीं छोड़ सकता बिल्कुल सर एंड द थिंग इज दैट द पॉइंट इज आप एक चीज को आप समझ रहा कांसेप्ट कॉल्ड एम्प्टी कप अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा गया है ऊपर एम्प्टी कप के ऊपर सो द एंटी कप इज का रिलेशन अगर आप देखेंगे ये जो भी चीज हमें मिली है जितना भी हमें ज्ञान मिला हमारे अपने गुरु के हमारे मास्टर्स के माध्यम से एंड अल्टीमेटली यूनिवर्स के माध्यम से कॉस्मिक सो so हमारा पूरी फैकल्टी में सबका एक एक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है जितना हमें ज्ञान मिला जितना भी यूनिवर्स ने हमें दिया कॉस्मिक्स ने दिया अगर हम उसको आगे नहीं देंगे तो वी डू नॉट बिकम दी कप और जब तक हम एम्प्टी कप खुद नहीं होंगे तो हमारे पास और नहीं आएगा इट्स वेरी सिंपल सो वॉट एवर वी आर गेटिंग वी आर जस्ट डाउनलोडिंग टू यू एंड ट्राइंग हार्ड टू डाउनलोड यू सो डेट वी गेट न्यू न्यू थिंग्स वी गेट न्यू यूनिवर्सल एक्टिविटीज सिंपल रूल मैं थोड़ा सा दे, एक, एक एक जीज़ी एक एक रूल रूल मिनट जी जी यूनिवर्सल ये कहता है जब आप यूनिवर्स को चीज वापस करोगे तो यूनिवर्स आपको दोबारा देगा समथिंग लाइक like, अगर किसी धनवान व्यक्ति के पास धन बहुत ज्यादा जमा करके रखा है ना और यूनिवर्स को नहीं जा रहा वापस इन द सेंस ऑफ बाय बाई इन हेल्पिंग पीपल वो धन वेस्ट हो जाएगा नष्ट हो जाएगा एक समय के बाद वो धन किसी के काम नहीं आएगा उसके आगे वाली पीढ़ियों में क्योंकि वो यूनिवर्स को नहीं जा रहा एंड जो व्यक्ति धन को वापस यूनिवर्स में डालता जाएगा इन द इन इन सेंस ऑफ दर्मा सबके भले के लिए वो धन एड ऑन होता जाएगा पीढ़ी पीढ़ी दैट्स अ सिस्टम डिजाइन आर यू डेवलपिंग ए सिस्टम और आर यू डेवलपिंग योर दैट्स अ क्वेश्चन इफ यू आर डेवलपिंग अस्टम एवरीबडी विफ यूर डेवलपिंग योर सेल्फ नो बडी विदग्रो इट्स अल्सेप्ट थैंक यू थैंक यू देवेंद्र जी थैंक यू प्रमोद जी जी शिशी जी, जी, जी क्या कह रहे हैं मैं तो सर आपकी बात पे ही वो थोड़ा सा कह रहा था कि आप कह रहे हो कि अगर जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसको बांटना जरूरी है जो आपने बेसिक एक बात बोली तो लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर इस कॉरपोरेट थिंकिंग जो सोच है उससे बाहर निकलना भी तो जरूरी है ना उसके लिए आप जिस तरीके तरह कॉपोरेट थिंकिंग जो? नहीं है थिंकिंग कौप, थिंकिंग या सेल्फिश यानी पैसा कमाने वाली बात कह लो वो थोड़ा सा इस बात की बात कर रहा हूँ मैं हाँ अगर वो जरूरी है इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए कमाने के भी कह रहे हैं ना कि हम पैसा कमाने बस ठीक है अग्री विद यू अग्री विद यू इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए हाँ इंटेंशन की बात है जो आपकी इंटेंशन क्लियर है कि मुझे सिखाना है लोगों को यस yes. तो वो चीज में क्या बात जी थैंक यू शशि जी थैंक यू सो आज के वेबिनार को हम यहाँ पे रुकते हैं एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के समय देने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया आपने अपने बिजी में से निकाल के जर्नी मजा आएगा दो ढाई महीने तीन महीने हम साथ में मिलकर करेंगे लर्न करेंगे अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे और आगे के लोगों की समस्या सुलझाने के लिए लर्न करेंगे आगे थैंक यू ऑल ऑफ यू सो नाइस ऑफ यू गुड नाइट नमस्कार थैंक यू